हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में गोरखपुर डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड सब्जेक्ट्स नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के बारे में। दोस्तों, अगले 5 वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में आपका ये पूरा सब्जेक्ट्स कवरअप किया जाएगा। 5 वीडियो में आपका नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम को पूरा कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें आज की जो वीडियो है उसमें हम सिलेबस को देखेंगे। एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं और पूरे पेपर में आपको क्या पढ़ना है, नॉलेज एंड करिकुलम डीडीयू बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर में, तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं नॉलेज एंड करिकुलम में आपको क्या पढ़ना है। कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे इस सब्जेक्ट में आपके टोटल 5 यूनिट है और इसी 5 यूनिट से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, पहला यूनिट है फिलोसॉफिकल बेस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा का दार्शनिक आधार। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, देखिए इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। पहला तो ये है कि शिक्षा और दर्शन का संबंध क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी। और दूसरा एक कुछ दार्शनिक वाद रहा है, जैसे आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद। इंग्लिश में इसको कहते हैं रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। दोस्तों, इन 4 वादों से बिल्कुल आपका ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें 2 पॉइंट है और इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपका फर्स्ट यूनिट है। पहला कि शिक्षा और दर्शन, एजुकेशन एंड फिलोसफी। अब एजुकेशन क्या होता है, फिलोसफी क्या होता है और इन दिनों में रिलेशन क्या है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्याख्या करिए कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। और दूसरा आपके जो 4 वाद हैं, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन 4 वादों में से किसी एक वाद को तो कन्फर्म 101% आपका एग्जाम में आना है। प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आदर्शवाद की अवधारणा उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या फिर प्रकृतिवाद के आदर्श उद्देश्य और विशेषताओं का वर्णन करिए। तो इन 4 वादों से हर साल प्रश्न आएगा। और पहला पॉइंट क्या था कि शिक्षा और दर्शन, सो कंप्लीट आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो यही होने वाला है, शिक्षा और दर्शन। और दूसरा ये 4 वाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, इन 4 वादों से। तो ये आपका कंप्लीट फर्स्ट यूनिट होने वाला है, ओके। और टेंशन मत लीजिए, एक ही वीडियो में इन 4 वादों को कवरअप किया जाएगा और एक वीडियो अलग लगेगी जिसमें हम शिक्षा और दर्शन को समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे यूनिट की। दूसरा यूनिट क्या है दोस्तों, दूसरा यूनिट है आपका इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, मतलब भारत के दार्शनिक विचार क्या रहे हैं शिक्षा के बारे में, अब बताइए। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें जैसे कि मान लीजिए इंडियन एजुकेशन एरा होता है, जैसे एक समय था जब हमारे पास वैदिक शिक्षा होती थी, उसके बाद क्या हुआ उसे बौद्धिक शिक्षा, फिर मुस्लिम शिक्षा, अभी तो मॉडर्न शिक्षा चल रही है, मॉडर्न एजुकेशन चल रही है। तो हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, कौन सा दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा या फिर वैदिक शिक्षा कहते हैं, मुस्लिम कालीन शिक्षा या फिर मुस्लिम शिक्षा, और तीसरा बौद्धिक यानी कि बौद्ध कालीन शिक्षा। तो इन तीन एरा के शिक्षाओं में, इन तीन कालीन शिक्षाओं में भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी रही, इसके पाठ्यक्रम क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके कॉन्सेप्ट क्या थे, इसकी विशेषताएं क्या थी और इसमें क्या गुण और क्या दोष थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही मजा आएगा, आप अपने हिस्ट्री को जानेंगे जब इस 3 पॉइंट को पढ़ेंगे, वैदिक कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, बौद्धिक कालीन शिक्षा। और इन 3 कालीन शिक्षाओं में आपका पाठ्यक्रम कैसा था, स्टूडेंट और टीचर के बीच रिलेशन कैसा था, सिलेबस क्या होते थे और क्या मेथड से पढ़ाए जाते थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है आपके सेकेंड यूनिट में, द मेजर इंडियन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, की भारत में जो एजुकेशन एरा रहा वो कैसा रहा। बड़ा मज़ा आएगा और एक ही वीडियो में इसको ख़त्म किया जाएगा, यानी कि बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, अर्थ, अवधारणा, उद्देश्य, विशेषताएँ, गुण और दोष, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों यकीन करें, ये 3 मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आप एग्जाम के टाइम नोटिस करिएगा, पहला शिक्षा और दर्शन आना है, कंफर्म आना है। दूसरा दोस्तों, इन 4 वादों में से एक प्रश्न 101% आना है। तीसरा, इन 3 कालीन शिक्षाओं जैसे बौद्धिक, वैदिक और मुस्लिम, इन 3 कालीन शिक्षाओं में से प्रश्न, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। और इन सब को एक एक वीडियोस में कवर किया जाएगा। तो आपने 2 यूनिट यहां तक समझा कि पहला यूनिट क्या था, पहले यूनिट का पहला पॉइंट था शिक्षा और दर्शन, ठीक है। दूसरा था आपके जो 4 वाद थे उसके बारे में, और दूसरा यूनिट जो कवर अप ऑल दूसरा यूनिट है वो है आपको 3 एजुकेशन एरा, इस्लामिक एजुकेशन एरा, वैदिक एजुकेशन एरा और बौद्धिक एजुकेशन एरा। तो ये 3 कालीन शिक्षाओं के बारे में, तो दूसरा यूनिट आपका कंप्लीट यही पढ़ना है। तीसरा बड़ा ही मजेदार है, बड़ा आसान है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का समाजशास्त्र। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि जनरल पॉइंट्स हैं, वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे पहला पॉइंट आप देखिए, सोशियोलॉजी
ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट स्कोप एंड नीड, मतलब समाज शास्त्र से शिक्षा, जैसे कैसे हम शिक्षा के द्वारा एक समाज को बेहतर बना सकते हैं, और शिक्षा और समाज शास्त्र में क्या संबंध है, इसके क्षेत्र क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इंडिविजुअल एंड सोशल एम ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन का इंडिविजुअल एम क्या हो सकता है, मतलब मान लीजिए शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष में आप क्या उद्देश्य देखना चाहते हैं। तो मैं पहली बात करूं तो शिक्षा एक ये है जो एक इंसान का चरित्र का निर्माण करता है, एक बेहतर इंसान बनाता है, उसके मस्तिष्क बौद्धिक उसके शारीरिक सब संपूर्ण विकास करता है। ये तो हो गया इंडिविजुअल एम, आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है, और शिक्षा के माध्यम से कंप्लीट सोशल क्या एम्स आपको, समाज में आप क्या सुधार दे रहे हैं। तो समाज में आप शांति स्थापित कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की भावना स्थापित कर रहे हैं, तो एक दूसरे की जो भेदभाव है उसे खत्म कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सामाजिक यानी कि सोशल एम हो गया। तो दूसरा पॉइंट यही है आपका कि सोशल एंड इंडिविजुअल्स एम ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं थर्ड यूनिट की, एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी। फिर वेर वही बात है कि कैसे शिक्षा के माध्यम से और हम समाजीकरण को बेहतर कर सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीयता की भावना को कैसे विकास कर सकते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन मतलब राष्ट्रीय एकाकीकरण, मतलब संपूर्ण जो भारत राष्ट्र है वो एक है, एक घर है। अब इस भावना को हम कैसे विकसित कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा की क्या भूमिका है इस भावना को विकसित करने में, ये आपका चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट बिल्कुल इसी तरह से रोल ऑफ एजुकेशन इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। जैसे हमने राष्ट्रीय एकाकीकरण की बात करी, वैसे हम अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की बात करेंगे कि हम शिक्षा के माध्यम से पूरे राष्ट्र को कैसे समझ सकते हैं, पूरी दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय को कैसे हम समझेंगे शिक्षा के माध्यम से। तो ये आपका थर्ड यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसी के बारे में है। और एक वीडियो इसमें एक दो या वीडियो लग जाएंगी, मगर हाँ हम जरूर खत्म करेंगे इसको बहुत ही आसान से शब्दों में। अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों फोर्थ पॉइंट भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। फोर्थ यूनिट की बात करें, फोर्थ यूनिट भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। फोर्थ यूनिट आपका क्या है, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अब यहां पे थोड़ा सा इंडिया के अंदर की बात की जाएगी, सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण, ठीक है, कि समाजीकरण कैसे होता है। अब इसमें आप देखेंगे कि कल्चर एंड एजुकेशन मतलब संस्कृति, आपकी संस्कृति और सभ्यता और शिक्षा कैसे एक दूसरे को जोड़ती है। अगर मैं आपसे कि शिक्षा संस्कृति को स्थानांतरण करती है, एक कल्चर को दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करती है, क्या आप इस बात को मानेंगे। तो यही सारी चीजें पढ़नी है। सोशल चेंज एंड एजुकेशन, समाज को कैसे बदला जाता है, और सोशल ऑर्डर एंड एजुकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन, की शिक्षा के माध्यम से हम कैसे आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कैसे हम और इंडस्ट्रीज की तरफ आगे बढ़ते हैं, मतलब शिक्षा का क्या इस्तेमाल रहा है इंडस्ट्रीज में या फिर मॉडर्नाइजेशन में, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये था आपका फोर्थ यूनिट, और फिफ्थ यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक ही सवाल है, बस एक ही सवाल है, वो है क्या, पाठ्यक्रम, द करिकुलम। करिकुलम क्या होता है, पाठ्यक्रम क्या होता है, ठीक है। सो करिकुलम, इसके अर्थ, प्रकार और विशेषताएँ, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि What are the principles of curriculum constructions? कि एक curriculum को बनाने के लिए, construct करने के लिए उसके सिद्धांत क्या है बच्चों। तो curriculum बहुत ही important points है fifth unit में आपका इस subjects में। और इसके अलावा आपके जो दो point है वो है कि characteristics of a good textbook, एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होती है, ठीक है, एंड द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड द करिकुलम, शिक्षा और पाठ्यक्रम में क्या संबंध है। दोस्तों करिकुलम पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही है कि करिकुलम की अर्थ, परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके प्रकार, और एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शंस के प्रिंसिपल, कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। और इसके अलावा जैसे कि एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होती है, एक अच्छा जो आपका नोटबुक किताब होता है पाठ्यपुस्तक, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, इसके बारे में। और एक और पॉइंट आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि पाठ्यक्रम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, ठीक है। ये हो गए ओवरऑल आपके सारे पॉइंट दोस्तों। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना आपके, चाहे यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5 हो, बहुत ही बेहतरीन और समझने वाली चीज़ है दोस्तों। और पीरियड में आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको लिखना अपने शब्दों में ही पड़ेगा, तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको शेयर करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो को, जहाँ पर आप इजी लैंग्वेज में समझ सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे जो भी एक यूनिट है उसकी एक वीडियो बना के इसी चैनल पर अपडेट की जाएगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और कुछ थोड़े बहुत साथी हमारे साथ टेलीग्राम से जुड़े हैं, अभी तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, मगर हाँ
अब हम रेगुलर बेसिस पे बहुत ही सीरियस होके गोरखपुर दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय के बीएड के क्लासेस लेंगे और इस साल इस सेमेस्टर में बहुत अच्छे अंक से हमें बीएड में स्कोर करना है। तो दोस्तों ये वीडियो फिलहाल हम यही बंद करते हैं और टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया जाएगा। और बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए और ऐसे ही एक टीम बना के साथ में पढ़ेंगे और अपने और दोस्तों को भी ऐड करें यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।